हेलो बच्चों, और कैसे बच्चे लोग? मस्त? मैं भी मस्त। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली बात तो आज की क्लास में हम आप लोग को ये बताएंगे केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहली बात, एक मिसकॉन्सेप्शन जो केमिस्ट्री सबसे को लेकर होता वो ये कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है। यार ऐसा यदि सोच रहे हो तो केमिस्ट्री जान लो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं। केमिस्ट्री में हर एक रिएक्शन के पीछे भी लॉजिक होता है। केमिस्ट्री 10th क्लास में आप लोगों को कितना चैप्टर पढ़ना है पता होगा, कुछ बच्चे को नहीं पता, कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है वो जान ले, अभी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए रिएक्शन मैं इस तरह से लिखता हूं, ठीक है ना यार, बोलना मत कि सर को स्पेलिंग लिखना नहीं आता, ये शॉर्ट फॉर्म में मेरा अपना स्टाइल है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, देखिए इक्वेशंस मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है, सब शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग तो यार जानते हो 10th में आ गए हो, इसलिए यार ये सब बातों को इग्नोर करना मेरी। ये फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है 10th क्लास में। सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और फिफ्थ एंड लास्ट वन इज व्हाट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहली चीज यार जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ऐसा इसमें कोई भी चैप्टर नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम आप नाम सुन रहे हो, ऐसा इसमें कोई भी चैप्टर नहीं है। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्या यार H2 प्लस O2 मिलकर H2O बनता है, नहीं जानते हो? H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन के बारे में नहीं जानते, सुने तो हो गए? C प्लस O2 गिव्स CO2, सुने नहीं हो क्या? सुने हो यार, तो इसलिए यार रिएक्शन यदि सोच रहे हो कि नया नहीं, फर्स्ट चैप्टर भी आप लोग पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ में हर चीजों को पढ़ेंगे। रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक, तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर आपके लिए नया नहीं है। सिमिलरली सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, आप लोग 8th क्लास में पढ़े हुए एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है, तो बस उसी का यहाँ पे एक रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है। नथिंग विल बी न्यू इन दिस चैप्टर एज वेल, बट सम रिएक्शंस विल बी न्यू फॉर यू, ठीक, तो डोंट वरी फॉर दैट। जितने भी रिएक्शन है वो सब रिएक्शन का एक ट्रिक होता है, सभी रिएक्शन के पीछे लॉजिक होता है, इसलिए रिएक्शन आपको रटना नहीं है, हर रिएक्शन को आपको समझना है, समझ समझ के पढ़ना है, कहीं भी कोई भी चीज केमिस्ट्री में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर देखना केमिस्ट्री में किस तरह से मजा आता है अपने को, ठीक। बड़े मजे से बड़े इंटरेस्ट के साथ हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इस साल। एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल नॉन मेटल में जानते हो, बस आपको यहाँ पे डिफरेंट क्या मिलने वाला है, रिएक्शंस। जो आप लोग 9th तक रिएक्शन नहीं पढ़ रहे थे, अब आपको केवल रिएक्शंस ही नए मिलेंगे, बाकी मेटल नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टीज होता है वो आप लोग ऑलरेडी 10th में पढ़े हो, सॉरी 10th में नहीं, इससे पहले क्लास में आप पढ़े हो, तो केवल आपको नया क्या पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिएक्शन के बारे में। और हम लोग कुछ फेनोमेना करोजन भी आप लोग पढ़े हो, तो यहाँ पे हम लोग करोजन को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। करोजन फेनोमेना को, करोजन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है, एक केमिकल चेंजेस है, तो उसके बारे में हम लोग यहां इस चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, शायद आप लोग नहीं सुने हो, कोई बात नहीं, जब हम लोग कार्बन पढ़ेंगे एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे अभी आप लोग को नहीं पता होगा हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ये सब कार्बन के कंपाउंड्स है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए नया होने वाला है, ठीक, तो ये कुछ हद तक नया होने वाला है, ठीक, तो आप लोग टेंशन ना लेना, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हर एक चीज को अच्छे से समझ समझ कर पढ़ेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। नेक्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या है, आप लोग को एक पीरियोडिक टेबल दिख जाएगा, उसमें सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप एंड पीरियड्स होते हैं कुछ कुछ, तो वो ग्रुप और पीरियड्स को हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को, ग्रुप के प्रॉपर्टीज को, पीरियड की प्रॉपर्टीज को, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में जानते हैं, ठीक। तो अभी मैं आप लोग यदि नहीं भी जान रहे कोई बात नहीं, अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे, आज से ही हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में आने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, और बेसिक्स
इतना इंपॉर्टेंट यदि तुम लोग बेसिक्स नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं नहीं आगे का गारंटी ले सकता कि तुम्हें कुछ भी केमिस्ट्री में समझ आएगा। इसलिए जो मेरा केमिस्ट्री का भी दो से तीन लेक्चर हमारा जो बेसिक्स का होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए ये तीन या दो लेक्चर जो भी अपने को लगे समय उसको मिस नहीं करना, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यही आपका आगे केमिस्ट्री पार्ट को स्ट्रांग बनाएगा और उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बनाएगा केमिस्ट्री को। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपने बेसिक्स पार्ट्स पे आते हैं केमिस्ट्री के आज इस फर्स्ट लेक्चर में। चलो अब हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में जानना है एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। आप लोग तो पहले पढ़ी होगे ना, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। डाल्टन साहब ने समझाया होगा, बताया था डाल्टन साहब ने, क्या बताया था? एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। मतलब किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड या फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ सर, हमको अंग्रेजी नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं यार, मान लीजिए चौक है, चौक को मैं पहले तोड़ता हूँ, ब्रेक करता हूँ, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता हूँ। एक ऐसा समय आएगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इस चौक का, जिसको यदि फर्दर तुम तोड़ ना सको तो समझ जाना वही पार्टिकल क्या है, एटम है। क्या है? एटम है। समझे ना एटम का मतलब? तो ये एक लेमन के लैंग्वेज में हो गया। यदि तुम्हें साइंस का भाषा नहीं समझ आता तो तुम्हारे लिए डेफिनेशन हो गया एटम का। क्या डेफिनेशन हो गया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, cannot be further divided, समझे ना? चल, अब ये एटम का डेफिनेशन जो था वो लेमन लैंग्वेज में था, मतलब कि आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, कोई इसमें साइंटिफिक बातें नहीं भी। लेकिन यदि मैं मॉडर्न डेफिनेशन की बात करूं एटम का, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। फिर सर इसका डेफिनेशन क्या है? चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, हर एक चीज आप लोगों को यहां नोट करना है, इसलिए आप लोग पेन एंड पेपर लेके पहले बैठ जाओ, पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाओ, हर एक चीज जो जो इंपॉर्टेंट लगे आप लोग नोट करते चलना, क्योंकि बिना नोट्स का यदि तुम लोग कान में हेडफोन डाल के और वीडियो देख रहे हो मस्त बेड पर लेटे हुए, तो यार जान ले ऐसा पढ़ाई नहीं होता और ऐसे आप लोगों को पढ़ाई करना भी नहीं है। ठीक, तो चलिए मैं एटम का डेफिनेशन पे, जो साइंटिफिक डेफिनेशन, जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो सही डेफिनेशन है, उस चीज को मैं यहां लिख दे। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any substance which takes part in a chemical reaction इसका मतलब क्या है, इस चीज को मैं पहले समझ लेता हूं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब किसी भी स्मॉल सब्सटेंस का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। यस, डाल्टन साहब ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, बिल्कुल यार सही। लेकिन आगे का जो पार्ट सर डाल्टन साहब ने कहा था वो आज के लिए गलत हो जाता। क्या डाल्टन साहब ने गलत क्यों दे दिया यार, क्यों लोगों को मूर्ख बनाया? यार मूर्ख नहीं बनाया, इसलिए वो गलत हो गए क्योंकि अब जाकर हमें 20वीं शताब्दी में हमें पता चला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था, तो हम कह सकते थे यार एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब ये कि इस एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब 20वीं सदी में जे.जे. थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स सैडविक साहब ने, ये सब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया, तो पता चला कि डाल्टन साहब का जो एटम का डेफिनेशन था वो गलत था। ठीक, तो इसलिए एटम का डेफिनेशन उनके समय में उनके अकॉर्डिंग सही था, बट अभी मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग यह डेफिनेशन गलत हो जाता। फिर सही डेफिनेशन क्या होता है, तो यहां मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दिया, अब चलो इस डेफिनेशन को मैं समझता हूं। फर्स्ट क्या लिखा है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, नो प्रॉब्लम यहां तक। आगे, विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इसका क्या मतलब है, विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। चलो इस चीज को मैं समझता हूं एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन के द्वारा। मान लो मैं यार एक बहुत ही स्मॉल H2 प्लस Cl2 ले रहा हूँ, इट गिव्स व्हाट, 2HCl। आप लोग ये सब बेसिक रिएक्शन हो सकता है नहीं पढ़े कोई बात नहीं यार, हर एक चीज अभी समझ आ जाएगा, बस आप लोग यार फोकस होकर इधर देखते रहना, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ, इधर उधर ध्यान मत भटकाना अपना। एक और रिएक्शन में लिखता हूँ H2 प्लस O2 गिव्स H2O,
यदि आप लोग बैलेंसिंग थोड़ा बहुत जानते हो तो यहाँ पे 2H2 नहीं जानते कोई बात नहीं, फर्स्ट चैप्टर में हमें बैलेंसिंग के बारे में भी पढ़ना है। हो सकता है आप लोग बच्चों जिनके स्कूल में यह स्टार्ट हो चुका चैप्टर तो बैलेंसिंग पढ़ लिया होगा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, तो इतना आप लोगों को आ रहा होगा। चलिए नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, वो भी चीज यहाँ आप लोग समझ लेंगे। एक और रिएक्शन में लिखता हूँ, N2+H2 gives 2NH3। ये जो एटम का डेफिनेशन है आपको टेंथ में नहीं पढ़ना, ये आप लोग को नाइन्थ क्लास में ही पढ़ना था, ठीक। तो हम फिर भी बिल्कुल क्या बोले बेसिक से, हर एक चीज बेसिक से पढ़ेंगे, इसीलिए हम हर एक चीज को बेसिक समझा रहे हैं। और एटम से क्या कुछ छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, लेकिन उसका डेफिनेशन हमें नहीं पढ़ना, तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट हम जो बोल सकते केमिस्ट्री में वो एटम, बिल्कुल हम लोग एटम से पढ़ेंगे और बिल्कुल हर एक चीज लास्ट तक पढ़कर कंप्लीट कर देंगे। चल अब मैं पहले इस रिएक्शन को एक एक करके तीनों रिएक्शन को समझूंगा कि यह रिएक्शन हो कैसे रहा आखिरकार, ठीक। H2Cl2 कंबाइन करके HCl बनाया कैसे, यहाँ पे 1 1 यहाँ पे 2, इसका क्या मतलब है आखिरकार, इस चीज को पहले हम लोग समझेंगे। तो इसलिए थोड़ा हम जहां जरूरत पड़ेगा थोड़ा फास्ट बोलेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहां थोड़ा स्लो बोलेंगे, इसलिए आप लोग मेरे फास्ट स्पीड से या धीरे होने से घबराना मत, ठीक। पहले हम लोग समझते हैं ये रिएक्शन हो किस तरह से रहा है। सबसे पहले H2, यार H2 यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है, क्या है मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हम लोग किसके कहेंगे, जहां भी आप लोगों को ग्रुप ऑफ एटम दिख जाए, क्या दिख जाए, ग्रुप ऑफ एटम दिख जाए, मतलब कहीं आपको 2 एटम का ग्रुप दिख जाए, कहीं 3 एटम का ग्रुप दिख जाए, कहीं 4 एटम का ग्रुप दिख जाए, वो सब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। H2 को मैं क्या कहूंगा, मॉलिक्यूल कहूंगा, Cl2 क्या कहूंगा, मॉलिक्यूल कहूंगा, HCl को भी क्या कहूंगा, मॉलिक्यूल कहूंगा, समझ रहे हो नहीं। चल आगे देखते हैं रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। ये H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोजन के 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बना हाइड्रोजन का, क्लोरीन के 2 एटम से क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना। इसी तरह से तुम लोग यदि जान रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, बताओ यार कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है टोटल, तो देख सकते हो कार्बन का 1, यहां पे CO2 का मतलब कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन कितना 2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम है, मतलब टोटल कितना बोल सकता मैं, 3 एटम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है, कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है, ठीक। तो चलो मॉलिक्यूल मतलब समझ में आ गया, आगे मैं डेफिनेशन भी समझाऊंगा मॉलिक्यूल का क्या होता है, अभी फिलहाल के लिए मैं इस रिएक्शन को समझ रहा। तो ये H2 है, H2 मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन एटम पर 2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 एटम प्रेजेंट होगा, 1 2, क्लियर यहां तक। आगे Cl2 में आ जाओ, 1 Cl 2 Cl, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, होता क्या है देख, H2 और Cl2, अब यहां पे क्या होगा, रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, केमिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जहां न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, पढ़े हो आप लोग फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस, तो यहां पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। और न्यू सब्सटेंस कैसे बनेगा, जब इनके और इनके बीच में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अब बात आती है कि सर ये H2 और Cl2 में कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो यार आप लोग 9th में वैलेंसी के बारे में पढ़े हो, क्या वैलेंसी, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, आगे हम बताएंगे, फिलहाल हम जो बता रहे हैं आप लोग रट लेना, यदि जिन्हें नहीं पता हो वैलेंसी के बारे में, ठीक। वैलेंसी क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन, आप लोग को नहीं पता तो आप लोग ये चीज फिलहाल के लिए मान लेना, जो सर बता रहे हैं वो सही सही बता रहे हैं, हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का 1, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस वैलेंसी को, और इस तरह से हम लोग किसी फार्मूला को लिख लेते हैं HCl, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब भी कंबाइन करेगा, क्या बोला, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब भी कंबाइन करेगा तो ये 1:1 के रेशियो में कंबाइन करेगा, मतलब ये ऑलवेज HCl ही बनाएगा, समझे। इसी तरह से यदि मैं बात करूं, आप लोग पढ़े होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन के बीच यदि कॉम्बिनेशन का भी होता है तो सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या बनता है, NaCl बनता है। इसी तरह से मान लो यार वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच को कंबाइन कराना है, कॉम्बिनेशन करना है, क्या होगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, और इसे क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह से क्या होगा H2O। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जो किसी 2 एटम के बीच जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो किस रूल को फॉलो करता है, वैलेंसी रूल को, और क्रॉस वैलेंसी मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ आ जाता है। इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, यहां पे देखो ये सबको मॉलिक्यूल कहेंगे, ये क्या मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल 9th में पढ़े हुए थे यार, ये आयनिक कंपाउंड होता है, जिसमें आयंस प्रेजेंट होता है उसे मॉलिक्यूल नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं पता है, फार्मूला यूनिट, क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं, ठीक। चलो यार नहीं भी पता कोई बात नहीं, उतना टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, आगे इस रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कॉम्बिनेशन होगा, और अभी मैंने बताया जब भी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन करेगा तो किस रेशियो में वो कंबाइन करता है आपस में, 1:1 रेशियो में, किस रेशियो में, 1:1 रेशियो में, मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ के एक क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, HCl, क्या बना देगा, HCl। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन और बच गया, यहाँ पे भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ भी कंबाइन कर जाएगा, इस तरह से बताया फिर से एक और HCl बन गया।
यहाँ पे HCl HCl दो बार लिखा, इसको मैं मिटा कर यहाँ पे 2HCl कर सकता कि नहीं कर सकता, कर सकता कि नहीं कर सकता, बिल्कुल यार सर कर सकते हो। तो इस तरह से H2 और Cl2 के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया HCl, कितना HCl 2HCl। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 क्यों लिया गया और यहाँ पे 2 क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 1 मॉलिक्यूल से ही काम हो गया और यहाँ पे हमारा 2 मॉलिक्यूल HCl का बन गया। समझ आ रहा है? गुड। चल अब यहाँ पे मैं जो समझाना चाहता हूँ उस चीज को समझो। अब हम लोग एटम का डेफिनेशन को समझेंगे इस चीज से, एटम को किस तरह से डिफाइन किया गया। देख क्या ये H2 और ये Cl2 एज अ होल एज अ यूनिट कंबाइन कर रहा है एक दूसरे के साथ? क्या H2 Cl2 आपस में कंबाइन कर गया? नहीं। यदि ऐसा होता, यदि H2 और Cl2 एज अ यूनिट एज अ होल यदि ये कंबाइन करता तो ये क्या बनाना था? H2 Cl2 बनाना था। क्या ये H2 Cl2 बना रहा है प्रोडक्ट में? देख क्या H2 Cl2 बना रहा है? नहीं। इसका मतलब ये H2 Cl2 डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर रहा। फिर सर ये कैसे कंबाइन कर रहा है यार, क्या हो रहा है फिर? तो इस चीज को समझते हैं। H2 Cl2 क्या हो रहा है? पहले ये H2 ब्रेक करेगा H+H में, पहले H2 ब्रेक किया किसमें? H+H में। फिर Cl2 ब्रेक किया, कैसे ब्रेक करेगा? Cl+Cl में। मतलब ये मॉलिक्यूल जो था वो पहले इंडिविजुअल एटम में ब्रेक किया, ये भी मॉलिक्यूल इंडिविजुअल एटम में ब्रेक किया, उसके बाद इसका H और इसका एक Cl कंबाइन करके क्या बना दिया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। फिर इसी तरह से एक H और एक Cl मिलकर क्या बना दिया? 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ HCl। इस तरह से हमें क्या मिल गया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। समझ में आ रहा है ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है? मतलब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात वो ये कि H2 और Cl2 डायरेक्टली कंबाइन नहीं किया। क्या हो रहा है? ये मॉलिक्यूल पहले एटम में ब्रेक किया, ये मॉलिक्यूल एटम में ब्रेक किया, फिर इसके एटम के साथ कंबाइन करके HCl का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर? समझ में आ रही है HCl का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ? तो यहाँ पे बताओ क्या रिएक्शन जो ये बन रहा है HCl, ये जो रिएक्शन हो रहा है क्या यहाँ H2 और Cl2 रिएक्ट कर रहा है? क्या H2 Cl2 पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि H2 और Cl2 पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर सर कौन रिएक्ट कर रहा है? एटम रिएक्ट कर रहा है। मतलब मॉलिक्यूल पहले एटम में टूटा, ब्रेक किया और वो एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहा है। मतलब रिएक्शन में एक्चुअली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एटम, नॉट मॉलिक्यूल। समझ में आया? ऐसा डेफिनेशन क्यों लिखा गया एटम का? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। उम्मीद है ये चीज अब आप लोगों को समझ आ गई, और नहीं भी आई कोई बात नहीं, और दो रिएक्शन हमारे पास बचा है इस चीज को समझने के लिए। चलो तो हम लोग सेकंड एग्जांपल को समझते हैं। चलिए फर्स्ट रिएक्शन को समझ लिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। 2H2+O2 gives 2H2। जरा ध्यान से यार तुम लोग देखना, ध्यान से देखना किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना? कोई भी चीज रटना नहीं है, कोई भी चीज ध्यान से देखना रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। चल यार पहले H2+O2 मैं लेता हूँ, ये H2O बनाता हमें ये पता, अभी 1 1 1, अभी हमें ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 होगा, 1 2 1 1 2 2, जो भी हो यार हमें कुछ नहीं पता। अभी हम लोग बिल्कुल जीरो है, जीरो, ठीक, मतलब हमें कुछ नहीं आता। चल आगे देखते रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। H2 का ये दो एटम, क्लियर, O2 का दो एटम, ठीक। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, चलो समझते हैं। अब ये मुझे बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा, आपस में कंबाइन करेगा। अब बताया क्या कंबाइन करके ये H2 और O2 मिलकर H2O2 बना देगा? क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। H2 और O2 मिलकर H2O2 नहीं बनेगा। ये जो बनता है किसी भी एटम के बीच जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस रूल को फॉलो करता है? किस रूल को फॉलो करता है? वैलेंसी रूल। और वैलेंसी रूल के अकॉर्डिंग देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करेगा? 2:1। मतलब हाइड्रोजन का दो एटम ऑक्सीजन का एक एटम के साथ कंबाइन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो इस तरह से यदि इसका दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? H2O का कितने मॉलिक्यूल बन गए? 1 मॉलिक्यूल बन गए। समझ आया चीज? अब इसी तरह से नेक्स्ट, एक ऑक्सीजन तो बच गया, ये ऑक्सीजन बेचारा बोलेगा यार तू तो दोनों हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लिया, मेरा क्या होगा? तो ऐसे में क्या होगा? एक और मॉलिक्यूल ऑफ H2 आएगा। क्या होगा? एक और H2 का मॉलिक्यूल आएगा, और ये जो दूसरा ऑक्सीजन दिख रहा है बेचारा अकेला पड़ा, ये भी इस दोनों हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगा। इस तरह से ये दोनों हाइड्रोजन यदि इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है तो ऐसे में एक मॉलिक्यूल और H2O का बन जाता है। मतलब ये जो 1H2O था ये कितना H2 हो गया? 2H2 हो गया। और ये जो H2 था कितना H2 यहाँ पे हो चुका है? 2 हो चुका। O2 के कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे? एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। H2O का कितना मॉलिक्यूल यूज हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है।
समझ आ रहा है कि H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना एटम, हाइड्रोजन का कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल टर्म यूज करूंगा, एटम टर्म यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है ना, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है ना, जहां पे ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है वहां मॉलिक्यूल टर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितने मॉलिक्यूल बोलूंगा, 2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। वाटर का कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ठीक, तो जहां पे ग्रुप ऑफ एटम दिख जाए उसे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो ये रिएक्शन हुआ। अब मैं समझता हूं क्या यहां पे H2 एज अ होल इस O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले ये H2 ब्रेक किया, किसमें ब्रेक किया, H+H में। O2 ब्रेक किया, किस तरह से ब्रेक किया, O+O में। इसके बाद यहां पे क्या हुआ, ये H के साथ कंबाइन करके एक H2O बना दिया। लेकिन देखा यार ये ऑक्सीजन बेचारा पड़ा है अकेला, तो एक और H2 आ गया, वो भी ब्रेक कर जाएगा H+H में। फिर ये जो दूसरा ऑक्सीजन था ये भी दोनों के साथ कंबाइन कर जाएगा और इस तरह से एक और H2O बन जाएगा। तो इस तरह से फाइनली रिएक्शन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल जो था H2 जो था वो पहले एटम में ब्रेक किया, फिर ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन भी एटम में ब्रेक किया, फिर एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए था तो उसके साथ कंबाइन करके H2O का एक मॉलिक्यूल बनाया, फिर दूसरा ऑक्सीजन बेचारा अकेला पड़ा था, वो दूसरा ऑक्सीजन फिर 2 H2 के साथ कंबाइन करके एक H2O और बनाता है। इस तरह से H2 को कितने मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ा, 2। O2 को कितने मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ा, 1। H2O का कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, 2। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं H2O का फॉर्मेशन होता है। तो अभी आप लोग को एक्चुअली ये भी चीज हम समझा रहे कि रिएक्शन होता किस तरह से है। तो ये चीज आप लोग केवल एटम का डेफिनेशन ही नहीं समझ रहे हो, एक्चुअली रिएक्शन हो किस तरह से रहा इस चीज को भी आप लोग समझ रहे हो। ठीक, अब अगेन आप लोग ये देख सकते हो क्या H2 मॉलिक्यूल क्या यहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। देख रहे हो ना किस तरह से पहले मॉलिक्यूल ब्रेक किया एटम में, फिर वो एटम आपस में कंबाइन कर, इसलिए बोला गया है कि एटम जो होता है वो एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, ना कि मॉलिक्यूल। तो इसलिए इस डेफिनेशन जो था हमारा वो अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग थर्ड रिएक्शन को भी यहां पर समझ लेते हैं। थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन में क्या है, N2 और H2 कंबाइन करके NH3 बना रहा। अभी हमें नहीं पता कितना N2 कितना H2 और कितना NH3 का यूज होने वाला। तो चलो नाइट्रोजन पहले क्या होगा, एक नाइट्रोजन एक और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हुआ। हाइड्रोजन के अभी 2 एटम प्रेजेंट होगा एक मॉलिक्यूल में। अब यहां से क्या बनने वाला, तो अब देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच जब रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अगेन जब कॉम्बिनेशन होगा तो किस रेशियो में का? ये हमें कौन बताएगा, वैलेंसी बताएगा। कौन बताएगा, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है नाइट्रोजन का, 3। हाइड्रोजन का 1। नहीं पता कोई बात नहीं, ये हो जाता NH3, N1 हाइड्रोजन 3 NH3 हो गया। अब यहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन ब्रेक करेगा N+N में, हाइड्रोजन ब्रेक करेगा H+H में। अब मुझे बताओ एक नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन का जरूरत हो रहा है, 3 हाइड्रोजन का जरूरत हो रहा है। यार एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन का जरूरत हो रहा है, यहां पे तो 3 हाइड्रोजन है ही नहीं, फिर क्या? तो फिर यहां पे H2O एक और H2O आ जाएगा इसके पास में। जैसे एक H2O आ गया तो यहां पे कितना H आ गया, 4 H हो चुका है, 1 2 3 4 H हो चुका है। अब इस नाइट्रोजन को तो 3 ही हाइड्रोजन का जरूरत है, तो इसलिए ये 3 मान लो हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन कर गया ये नाइट्रोजन। तो इस तरह से क्या बना दिया, एक NH3 बना दिया। ये समझ में आया? फिर से यहां पे एक नाइट्रोजन और बच रहा है। अब ये जो नाइट्रोजन बच रहा है इसको भी कितना हाइड्रोजन चाहिए, देख यार ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में कंपोजिशन फिक्स होता है। कंपोजिशन फिक्स का मतलब क्या होता है, एक नाइट्रोजन हमेशा 3 ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। ये कोई मिक्सचर नहीं है कि यार एक के साथ एक नाइट्रोजन के साथ कभी एक हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएगा, एक नाइट्रोजन के साथ कभी 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएगा, एक नाइट्रोजन के साथ कभी 3 भी कंबाइन कर, ऐसा नहीं होगा। ये मिक्सचर नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। और कंपाउंड के केस में आप लोगों को पता होगा कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब एक नाइट्रोजन कंबाइन करेगा तो 3 एटम के साथ ही करेगा, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ ही कंबाइन करेगा, अदरवाइज वो कंबाइन नहीं करेगा। ठीक, तो यहां पे एक नाइट्रोजन के लिए अब एक ही हाइड्रोजन बच रहा है, यार फिर से प्रॉब्लम इस नाइट्रोजन के लिए। फिर से क्या बोलेगा, यार एक और H2 हम आ जाते हैं। तो इस तरह से यहां जैसे 3H2 करेंगे तो एक H और 2H ऐड हो जाएगा। अब इस नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, तब जरा देख 3 हाइड्रोजन इसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, देख मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो इस तरह से एक और NH3 बन गया। तो इस तरह से टोटल NH3 कितना हो गया, 2 NH3। N2 का कितना मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ा, एक ही N2 में हमारा काम हो गया। H2 का कितना मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ा, देख 3 मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ा। तो इसलिए यहां पे कितना H2 आ जाएगा, 3H2 आ जाएगा। NH3 का कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने। तो इस तरह से NH3 का यह फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आया ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है? तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल एज अ होल कंबाइन नहीं करता। अब तुम ही लोग बताओ यार, यदि N2 और H2 कंबाइन करता तो क्या बनाना था प्रोडक्ट, N2H2 बनाना था।
इधर से N2 आता आउट के, इधर से H2 आता, ये N2 H2 बना देना था, लेकिन प्रोडक्ट क्या NH3 बन रहा। इसका मतलब मॉलिक्यूल डायरेक्टली एक दूसरे से कंबाइन नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले वो एटम में ब्रेक हो रहा है, फिर एटम आपस में वैलेंसी रूल के अकॉर्डिंग कंबाइन कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से मैं एटम को कंप्लीटली डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से एटम का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्या समझने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स के डेफिनेशन को। तो चलिए, वो डेफिनेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही हम लोग आसानी से जल्दी से समझ जाएंगे। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन, तो मॉलिक्यूल को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है सर? तो यहां पे देखो, पहला तो ग्रुप ऑफ एटम्स है, मतलब हाइड्रोजन है तो H2O2 N2 Cl2 H2O NH3 CH4 CO2, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए ना मॉलिक्यूल में। पहला लाइन क्या है, ग्रुप ऑफ एटम H2O2 N2Cl2 सब में देखो यार, ग्रुप ऑफ एटम है मतलब कहीं भी दो एटम, कम से कम दो एटम तो होना चाहिए मॉलिक्यूल्स होने के लिए। एक एटम में काम हमारा नहीं चलेगा, कम से कम कितना एटम होना, दो एटम होना, तीन चार पांच जितना रहे ज्यादा अच्छा है, ठीक। तो इस तरह से हो गया ग्रुप ऑफ एटम। आगे क्या लिखा हुआ, हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मान ले मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ऐसा मैंने लिख दिया, ओके। अब जैसे इसमें से हमें पहचाना कौन मॉलिक्यूल होगा कौन मॉलिक्यूल नहीं होगा, जैसे इस वाले में क्या H3 मॉलिक्यूल है, क्या H3 मॉलिक्यूल है बताओ। तो यार H3 मॉलिक्यूल होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन ग्रुप ऑफ एटम्स होना, यार ग्रुप ऑफ एटम्स तो हर जगह दिख रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होना, हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करना चाहिए। मैं H3 बता यार, हाइड्रोजन का कभी फॉर्मूला H3 देखे हो, सुने हो, नहीं सुने हो ना। इसका मतलब क्या, H3 का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, नहीं, मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में ये पाया ही नहीं जाता H3। हाइड्रोजन जब भी पाया जाएगा तो किस फॉर्म में पाया जाएगा, H2 के फॉर्म में पाया जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट करता है, H3 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसे हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। तो इसलिए मॉलिक्यूल होने के लिए जरूरी है ग्रुप ऑफ एटम हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो नेचर में पाया जाना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड है O3। O3 क्या होता है पता है, तो तुम लोग को शायद पता ना हो, O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है, इसलिए O2 भी एग्जिस्ट करता है, यहां O3 ओजोन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो इसलिए O3 भी जो है मॉलिक्यूल के कैटेगरी में आएगा, ओके। नाइट्रोजन N2 क्या, अच्छा Cl है, फिर क्लोरीन Cl2 Cl3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नहीं Cl3 एग्जिस्ट नहीं करता। नाइट्रोजन N2 क्या N3 एग्जिस्ट करता, नहीं करता। फास्फोरस, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, ये टेट्राएटॉमिक का एकमात्र एग्जांपल फास्फोरस होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल में P4 क्या है, फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल है ना, और इसमें फास्फोरस का कितने एटम, चार एटम है। तो इस तरह के हम लोग टेट्राएटॉमिक स्पीशीज कहते हैं, और फास्फोरस टेट्राएटॉमिक होता है, मतलब फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में चार एटम होते हैं इसके, तो इसलिए फास्फोरस एग्जिस्ट P4 के फॉर्म में ही करता है। यदि पूछा जाए डायटॉमिक एग्जांपल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, ये सब डायटॉमिक एलिमेंट के एग्जांपल हो गया, लेकिन फास्फोरस टेट्राएटॉमिक एलिमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में चार एटम एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या P2 एग्जिस्ट करता है, नहीं P3 एग्जिस्ट करता है, नहीं ये सब एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिए P4 ही एग्जिस्ट करता है। P5 एग्जिस्ट करता है, नहीं। सल्फर, याद होगा आप लोगों को, सल्फर ऑक्टाएटॉमिक होता है, मतलब एसिड एग्जिस्ट करता है। एस्पर एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता। इसलिए मॉलिक्यूल का डेफिनेशन के लिए दोनों कंडीशन जरूरी है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं कहें ग्रुप ऑफ एटम्स दिख गया, P5 ग्रुप ऑफ एटम्स दिख गया तो सर ये भी तो मॉलिक्यूल होगा ना, ऐसे हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। मॉलिक्यूल होने के लिए जरूरी है ग्रुप ऑफ एटम्स, साथ ही साथ इट शुड हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, देन ओनली वी विल से दैट इट इज अ मॉलिक्यूल, ठीक। तो इस तरह से मॉलिक्यूल का डेफिनेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। तो इस तरह से होपफुली आप लोगों को एटम और मॉलिक्यूल दोनों का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है, एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग जो ये मैं वैलेंसी रूल बताया था इसको अब हम लोग सीखेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा से बिल्डअप हो सके, ताकि आप लोगों को आगे चलकर रटना ना पड़े। तो इसलिए अभी हम जो भी चीज समझा रहे हैं वो हर एक चीज आपका जो फाउंडेशन केमिस्ट्री का होता है ना उसको आपको तैयार करके देगा। इसलिए हर एक लेक्चर को आपको बड़े ध्यान से देखना है और हर एक चीज आपको नोट करते हुए चलना, ठीक। तो अभी के लिए मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।